उत्तर प्रदेश में चुनाव को साढ़े चार साल हो गए हैं और छह महीने बचे हैं जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं आप लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक गेमा गेमी शुरू हो गई है लगभग लग हर राजनीतिक दल ने अपनी एक्टिविटी को शुरू कर दिया है तो चूंकि हर राजनीतिक दल ने अपनी एक्टिविटी को शुरू कर दिया है तो हम मीडिया कर्मियों का भी काम हो गया है गांव गांव जाकर के मिजाज को जानना माहौल को समझना और जायजा लेना इससे पहले आपने हमारी रिपोर्ट्स को सुना था जहां हम बिजनौर गए थे और बिजनौर के कस्बे साहनपुर गए थे तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि ये साहनपुर है या सहारनपुर है तो इस बार हम वाकई में सहारनपुर आ गए हैं और सारनपुर आकर के हम जिस गांव में पहुंचे उसका नाम है पिंजोरा वैसे तो हम जानेंगे कि पिंजोरा नाम का क्या मतलब होता है लेकिन हमने कभी कहीं फिल्मों में या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में पिंजोरा सुना होगा और पहली बार हम पिंजोरा सुन रहे हैं और यहाँ गांव में गांव के बहुत सारे लोग हैं आप पहली बार रिपोर्टिंग में ऐसा देख रहे होंगे कि रात के अंधेरे में हमें लाइट की व्यवस्था के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद एक दूसरी टेक्नोलॉजी का भी हमें दिक्कत हुई अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये लड़के बैठे हैं यंग दिखते हैं और काफी जानकार भी हैं तो आपका नाम जान सकते हैं भैया नाम मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर तो ये पहले तो हमको ये बताइए आपके गांव का नाम क्या है हमारे गांव का नाम पंजोरा, पिंजोरा है पिंजोरा है है पिंजोरा 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 तो क्या होता का तो बस एक नाम ही है देखो हमें भी इसका मालूम नहीं है बड़ो, ब, इसके बारे में जानकारी होगी गाँव है हमारा बस पिंजोरा हम भी सुनते ही आ रहे हैं बचपन से पिंजोरा ही है मतलब पिंजरा से बना है क्या बस आप कुछ भी कह सकते हैं कोई मतलब ये नहीं है कि इसका बैकग्राउंड हो या कोई इसके पीछे कोई कारण हो या कोई इसकी गहराई हो उसका कोई इसके मतलब ऐसा कुछ है नहीं बस पिंजोरा गांव का नाम पड़ा हुआ है इसके बायो में, में कुछ नहीं है भी। क्या करते हैं आप भैया मैं जामिया मिल्ह इस्लामिया न्यू डेली स्टडी कर रहा हूँ वहाँ से क्या पढ़ाई कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ जामिया से अच्छा तो जामिया तो लगातार अभी खबरों में रहता है ना एक आदमी ने कहा है कि तीन बम गिराओ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे गिराओ एक जामिया पे गिराओ एक पे गिराओ वो बात सुनी है आपने जी सुनी है बट इस गवर्नमेंट का क्या अब चुनाव आ रहे हैं अब सांप्रदायिकता की बात होने लगी है अब मंदिर मस्जिद की बात होने लगी है कल आपने देखा जंतर पंतर पे क्या हमारे देश के अंदर कैसे एक टा एक विशेष धर्म को टारगेट किया गया कैसे कैसे इन स्लोगन दिए गए आप देख रहे हो अब चुनाव नज़दीक है इस सरकार के अंदर सिर्फ हवाबाजी हुई है जुमलेबाजी हुई है विकास का कोई बात नहीं है और सरकार आने वा... अब चुनाव का नज़दीक है तो सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए जो चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिकता का जहल घोलने का काम कर रही है बीजेपी सरकार जो है इसमें कोई काम नहीं हुआ हम है, स्टूडेंट हैं हमारे ऊपर इतना जुल्म किया गया जामिया में लाइब्रेरी में बच्चों को मारा गया आंसू गैस के गोले छोड़े गए लड़कियों को हॉस्टल तक में पीटा गया और आप, हमारे यहाँ यूपी में देख लीजिए क्या हाल है आप कोई विकास नहीं है कोई रोजगार नहीं है आप कोरोना काल में देख लीजिए लोग ऑक्सीजन की कमी से कितने बेड की कमी से और कितनी मृत्यु ये आप देख लीजिए सरकार तो इनमें से कोई भी बात मानती नहीं है ऑक्सीजन की कमी को कहती है कि हुई नहीं और यहाँ पर कोरोना कोरोना को कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया और लोगों का ख्याल रखने की बात कहते हैं कि हमसे ज़्यादा किया नहीं किसी ने असल में क्या है सरकार में सिर्फ क्या है सिर्फ झूठ है झूठ के अलावा कुछ नहीं है और जो गोदी मीडिया है ना गोदी मीडिया ना का प्रोपोगेंडा है ये चलाते हैं कि सरकार ने कंट्रोल कर लिया असल में हकीकत आप जाने गाँव में जाइए अब ये मृत्यु जो है ना मृत्यु सर्टिफिकेट वो भी जारी नहीं कर रहे हैं हमारे सहारनपुर में आप जाके देख लीजिए और इन्होंने कम फोर हंड्रेड समथिंग जारी किए हैं सिर्फ एक शमशान घाट में अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन की कमी है बेड नहीं थे लोग कि लकड़ियाँ तक नहीं दी दे पाई सरकार अस्थियों को बताओ आदमी की आखिरी इच्छा क्या होती है कि इसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाए नहरों में गंगा में लाशें तैर रही थी देख लीजिए आप उमर मुझे ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं इस बात को जो है वो उमर ही समझते हैं या आपके दूसरे मित्र जो हैं वो भी समझते हैं हमारे स्टूडेंट है ऐसा कुछ नहीं मैं एक मुस्लिम वर्ग से हूँ हमारे साथ और भी हमारे मित्र हैं जो सेकुलर लोग हैं वो सब समझ रहे हैं और आने वाले जो 2022 चुनाव में सरकार इस सरकार को जनता हटाने का काम कर चुकी है इससे त्रस्त हो चुकी है महंगाई देख लीजिए आज पेट्रोल के दाम देख लीजिए एक सौ पेट्रोल है आप गैस गैस के दाम देख लीजिए नौ सौ रुपये सब्सिडी ख़त्म करिए किसान नौ महीने से आंदोलन कर रहा है उनको आतंकवादी बताया जा रहा है उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है आप देख लीजिए कितनी ठंड में और गर्मी में और बरसात में वो बेचारे डटे हुए हैं नौ से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं आज तक उनकी बात पे सुनवाई नहीं हुई ये सिर्फ देश जो है ये कंपनियां चला रही है जो मोदी सरकार नहीं है ये कंपनियां हैं पढ़ रहे नहीं नहीं वो बस वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है अब हर चीज़ की जानकारी रखते हैं स्टडी के साथ साथ समाज में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बस और कोई ऐसे ही नहीं मेरा तो बी कॉम ऑनर्स अकाउंट्स का का मेरा वो चल रहा है ये बताइए जैसे आपके लोग डिस्कस करते हैं और आप यहाँ गाँव में अब आ गए हैं तो क्या इस तरह का डिस्कशन भी होता है कि, कि किसी को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा जी होता है बच्चे होते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन हुआ हमारी एक वो होती है अच्छा कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा प्लेसमेंट हो तीन दो शिक्षा का स्तर देख लीजिए सरकार में अब टेंथ ट्वेल्थ को खत्म कर दिया गया शिक्षा नीति क्या कर दी गई बच्चों को ऐसे ही पास किया जा रहा है भविष्य खत्म किया जा रहा है किस लिए बच्चों पे अब अनपढ़ पे ही तो राज किया जा सकता है जो पढ़ा लिखा छात्र है वो अपनी आवाज उठाता है अनपढ़ बच्चा है वो नहीं जो इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है आपकी इन्हीं बातों से तो तकलीफ में नहीं हो कि जामिया और एम के लोग जो है वो सवाल बहुत करते हैं नहीं तकलीफ तो होती है अब देखो कोई क्वेश्चन उठाएगा आप आप मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँगा और आप वो गलत कर रहे हैं और मैं आपको उस बात को उठाऊँगा तो आपको उस बात का बुरा तो लगेगा ये मैं उसके पोज में खड़ा हूँ अगर अगर मैं आपके पक्ष में रहूँगा तो आप मेरा समर्थन करेंगे मेरी बात से आप सहमत होंगे या नहीं ठीक है उमर आपसे हम ये आपने सुन लिया होगा उमर को तो जब हम गांव में आते हैं और गांव में ऐसे बच्चे आते हैं जो जामिया पढ़ने जा रहे हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बदलाव तो आ रहा है लेकिन जो बदलाव है उसमें सरकार का कितना योगदान है इस पर बाद में डिस्कस करेंगे इधर भी कुछ लड़के बैठे पहले ना नौजवानों से बात करते हैं फिर बड़े लोगों से बात करेंगे आपका नाम जान लें भैया हम मुख्तदिर जी मुखिर मुखदिर तो ये बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका क्या मतलब होता है कुदरत वाला गुड तो आप पढ़ते हैं

ऑनलाइन में कुछ थोड़ी दिक्कत होती है समझने में ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है आपका नाम भैया मोहम्मद वेस हम हमेशा आप ही पढ़ते हैं, हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं सर बीकॉम फर्स्ट ईयर सर मदरूडूर की आप की पढ़ रहे हैं ये सब आप इतना मतलब ला, लालाजी वाली पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं मतलब वो भी कॉमर्स वाले आप भी कॉमर्स वाले सर कॉमर्स वाले सर सीए चाहिए दोस्त देश को तो फिर तो करना पड़ेगा सर कुछ तो हाँ सर जीएसटी बढ़ा रखी आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा के ये सबको हैंडल हम, तो करना पड़ेगा है हिसाब किताब में जो है किसानों को आम लोगों को सज्जन लोगों को भले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए जो है हिसाब किताब वाले लोग चाहिए मुंशी चाहिए मतलब मुंशी बनना चाहते हैं कलेक्टर नहीं बनना चाहते हैं सर देखते हैं देश के हिसाब से बनना पड़ेगा अभी तो नौकरी वोकरी मिलेगी देखते हैं सर अगर ऐसा ही हाल रहा अगर बीजेपी सरकार रही सर फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं सब बस दिख रहे हालात सर यस सर हम्म आप बताइए आपका नाम जान सकते हैं मेरा नाम शाहनवाज है सर शाहनवाज जी आप क्या करते हैं मेरा छोटा सा काम का है सर करते हैं तो ये बताइए जो प्लम्बरिंग का आप काम करते हैं तो आपका तो काम इस पर डिपेंड करता है ना कि लोगों के नए घर बनने चाहिए फिर वो वहाँ नए घर बनाएंगे तो प्लम्बिंग का पानी का फिटिंग करेंगे तो इस पर डिपेंड करता है आप ये बताइए पिछले दो साल में नए घर बन रहे हैं आपके काम पर कितना फर्क पड़ा है नहीं काम तो सर सौ परसेंट में सर बीस परसेंट या पंद्रह परसेंट ही रह गया क्योंकि लोगों के पास जब रोजगार नहीं है काम नहीं है तो पैसा होगा तो मकान होगा जो मकान का, का काम होता है ये तो आदमी का अपना पूरा पैसा जमा करने के बाद एक्स्ट्रा जो मनी होती है उसको वो कहीं लगाने की सोचता है अगर जब वही कमाई नहीं है तो बंदा मकान कहाँ से बनाएगा शाह मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आप प्लम्बरिंग का काम कितने समय से कर रहे हैं जी लगभग सर बारह तेरह साल हो गए काम कर बारह तेरह साल में ऐसा इतना जितना कमी से लोग घर बना रहे हैं इतनी कमी जो है वो आपने इससे पहले भी कभी देखी थी मतलब अनुपात के हिसाब से कभी कोई कमी नहीं आई सर कितने समय से ये तो प्रॉब्लम आई है ये समय से जब से बीजेपी सरकार है तो ये बीजेपी सरकार का इसमें क्या कैरेक्टर है जरा प्लीज समझा देंगे तो सर सिर्फ इस सरकार ने वाद विवाद के अलावा या किसी हिंदू मुस्लिम के अलावा या किसी भी विकास की बात हो या रोजगार की बात हो या किसी नौजवान हमारे भाई ने भी कहा कि आपने पूछा कि आप मुंशी बनोगे या कोई नौकरी करोगे अगर ये हालात होंगे तो ये मुंशी बनने लायक भी नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि ये हिसाब किसका करेगा ना मेरा कर पाएगा ना आपका कर पाएगा जी ये मुझे बताइए कि ये जो आपने पैसा कम कमाया है जब आपने 10 साल 12 साल से काम किया है तो 10 साल ठीक पैसा कमाया होगा उसके बाद आपका ग्राफ डाउन हो गया आप बता रहे हैं दो साल से काम नहीं है तो ग्राफ डाउन हो गया तो आपकी जरूरतें जो थी जो 10 साल की जरूरतों की आदत आपको पड़ गई थी वो दो साल आपके बचे ये कष्ट वाले तो कैसे एडजस्ट किया एडजस्ट ऐसे ही सर जब मान लो आदमी की मनी कम नहीं है तो उसमें एडजस्ट को करना पड़ेगा नहीं करेगा तो बेचारा परेशान होगा क्योंकि जो रोजगार पे जो मार पड़ी है उससे भीगे कैसे व्यापारी है वो रोने वाले हैं मजदूर है वो रोने वाला है अब महंगाई इतनी है कि पहले चालीस रुपए किलो थी आज वो नब्बे किलो है पेट्रोल जो सत्तर रुपए लीटर था आज वो एक सौ दस रुपए लीटर है तो कहाँ से भरपाई होगी उसी सोनी अपने खर्चे खुद आदमी को कंट्रोल करने पड़ेंगे नहीं करेंगे तो सर मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा फिर उसमें भी बात कर लेते हैं <laughs> आपके बच्चे बात कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए <laughs> तो आपसे बात करते हैं आप नेताजी हैं क्या नाम है आपका फराद आलम गाड़ा अच्छा फराद आलम गाड़ा साहब हैं आप फराद आलम गाड़ा साहब ये बताइए कि आप जो हैं वो, वो सरकार को बदलने की जस्तुजू में लगे हैं क्या जी बिल्कुल तो साढ़े चार साल हो गए इस गांव में इन लोगों से पूछे कि सरकार का एक पैसा इस गांव में लगा इस गांव के एक आदमी को रोजगार मिला इस गांव में लाइट की क्या व्यवस्था है उनसे पता करिए आप तमाम तरह तरह हर परेशान है छह महीने बाकी है महीने बाद सरकार बदलने काम करेंगे ये ये बताइए कि लाइट नहीं बनी इस गांव में सड़कें नहीं बनी इसमें नौकरियां नहीं मिली तो जो चार साढ़े चार साल पहले की सरकार थी तो उसमें ये सब चीजें हुई थी अखिलेश का नामी विकास है हर गांव हर मोहल्ला हर कस्बा कोई कस्बों से कोई छोटा जहाँ उन्होंने विकास नहीं किया अखिलेश यादव सरकार में इन इन लोगों पे तो उनके पूरे नाम भी नहीं बदले गए नाम बदलने की स्कीम जब ना इन पे उन सब कामों के नाम भी नहीं बदले गए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी सब इस टाइम बूथ का काम का का कर रहे हैं बूथ का काम का 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 देख रहे हैं और बूथ पे वोट बनवा रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियों के कहीं पे दो दो वोट है चार चार वोट है उन सब कटवा काम कर रहे हैं क्योंकि बूथ हमारा मजबूत होगा और वो वोट वोट बनेगा और वो वोट डरेगा तभी हमारी सरकार बनेगी

आपके एक नेता हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आजम खान जी तो उनके लिए सड़क पर दौड़ते तो नहीं दिखाई दिया अखिलेश यादव जी अभी हमने शाहपुर में सड़क चलाई उसमें भी आजम खान साहब के हमारे हाथों में फोटो थे हम उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और पार्टी तनबंधन से हर तरीके से उनके लिए काम कर रही है अखिलेश यादव जी हो मुलायम सिंह यादव जी हो तमाम पार्टी कार्यकर्ता वो आजम खान जी के साथ है ये क्यों कहा जाना लगा है कि अखिलेश यादव जी वो संघर्ष नहीं कर पाए हैं जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष करते थे सड़कों पर दौड़ते थे घर घर जाते थे और आत्मीयता वो आत्मीयता क्यों नहीं पैदा कर पाए अखिलेश यादव जी 2012 में जब सरकार बनी 2012 में जब सरकार बनी तो पूरा काम अखिलेश यादव जी ने किया था आप क्रांतिरथ हो रहो तब अखिलेश यादव मेहनत करते आज भी अखिलेश यादव जी हर जिले में जाने काम कर रहे हैं चुनाव से पहले पहले हर जिले में पहुंच जाएंगे बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं रहे हैं कह रहे हम चार सौ सीटें ले आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंस 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 जो जो है बन अंडा जो है ओवर बन जाए जाए अंडा टूट तो भाजपा वाले दिखा रहे हैं भाजपा वालों ने साढ़े चार साल में एक भी काम नहीं किया और फिर भी वो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी फिर भी वो वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम हम जो है दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे लेकिन हम बता रहे हैं आपको भाजपा गई और समाजवादी पार्टी आई आज आप कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं लेकिन जब आप 2017 में जब चुनाव हार गए थे तो उसके बाद तो आपके नेता ने कहा था अखिलेश जी ने कि कि अब हम समझ गए हैं कि जनता जो है वो विकास की भाषा नहीं समझती है वोट लेने के लिए जनता को बरगलाया जाता है तो कहीं आप लोग तो बरगलाने का काम नहीं कर रहे आप पूरी बात सुनो उसमें क्या हुआ था कि जब चुनाव दो में हुआ उन्होंने हर बिरादरी के अंदर एक मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा ये मुख्यमंत्री बनेगा जो है, जिनको जो, वो वो मुख्यमंत्री बना रखा है, कहा है वो चार साल से अब उनकी याद आई वो जो शर्मा जी डिप्टी मुख्यमंत्री बना रखे उनको कहा वो अब उनकी याद आ रही है इस सरकार में ये नहीं कि मुसलमानों पर ही ब्राह्मण पे जितना अत्याचार हुआ दलित पे जितना अत्याचार हुआ यादव पे जितना अत्याचार हुआ कोई राजनीति जिनसे इन्होंने वादा किया था कि तो हम तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाएंगे उन सब के साथ इन्होंने जायजती करने का काम किया और अब वो तमाम लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी तब तो देख रहे हैं कि कब चुनाव आए कब वोट डालने का मौका मिले और इस भाजपा को भगा समाजवादी पार्टी को लें आपके नेता और आप भी चूंकि जो नेता कहते हैं वही कार्यकर्ता कहते हैं आपके नेता और आप भी तमाम दलितों की मुसलमानों की दलितों की सबकी बात कर रहे हैं लेकिन आप गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम नहीं ले रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और जेल में बंद है और आपकी पार्टी ने उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है जबकि वो बहुत प्रभावशाली मंत्री थे प्रसाद जी के लिए पार्टी से बात चाहे कोर्ट का वक्त कोर्ट का मामला है कोर्ट कोर्ट में लगा लगातार वकील कर सब काम कर रहे हैं रही बात ही हम तो छोटे से बहुत छोटे से कार्यकर्ता है बहुत छोटे से हैं जिले के रहने वाले हैं यहाँ के आज हमारे आप सवाल करिए हम जवाब कर देंगे रही बात गांधी प्रजापति की गांधी प्रजापति के साथ समाज पार्टी पहले भी थी और आज भी है आप तो नेता हैं चूंकि नेता वाले अपना पार्टी का पूरा बचाव करके लेकिन हम अब जहाँ आते हैं इनके पास और इनसे बात करेंगे आपका नाम जान सकते हैं साजिद भाई आप इसी गांव के रहने वाले हैं

हाँ अपने गांव की बेसिक समस्याओं पे हम आपसे बात करेंगे ये बताइए आपने कई बार क्या होता है शाह भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि कई बार ये होता है कि हम लोग चुनते हैं विधायक और ये सोचकर विधायक चुनते हैं कि ये हमारा अपना है हमारा अपना भाई है तो आपके यहाँ के विधायक है मसूद अख्तर जी ठीक है जो मुझे बताया गया है तो मसूद अख्तर जी आपके यहाँ के विधायक है तो अपना चुनते हैं बेसिक है अपना चुनते हैं तो क्या अपना अपने के लिए कुछ काम भी करता है या अपना और दूसरा जो है सब समान हो जाते हैं एक जैसे हो जाते हैं ये तो सभी जब चुनाव का टाइम हो सब गांव में देखते हैं वोट के लिए सब फिरते हैं जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सब गायब हो जा जी आपके गांव में हमारे गांव में मान लो जब गए वैसे किसी की कोई समस्या नहीं हुई जैसे कोई काम या अपनी तरफ से कोई अपनी निधि से कोई ऐसा काम नहीं हमारे गाँव में आज तक कराया साढ़े चार साल हो गए साढ़े चार साल में आपके गाँव में कुछ भी नहीं हुआ कितनी आबादी का गाँव है आपका तकरीबन हमारा ये कुल मिलाकर ये जो है छः सात हजार का तकरीबन आबादी का गांव है आपका तो, तो ये शहर में, कट गया है, थोड़ा में रह गया है। जी 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 अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जो है ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिससे गांव वाले खुश हो जाए यही है कि भाई भाईचारा रहे और शिक्षा अच्छी कोई अच्छा स्कूल बने कोई अच्छा ये शाहिद भाई शाहिद्योरा से हैं और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमने पूछा इनसे कि आपके गांव में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिससे गांव प्रफुल्लित हो जाए खुश हो जाए तो ये बता रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल में जिस चीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो है भाईचारा तो अब सड़क से पानी से बिजली से स्कूल से सबसे इंपोर्टेंट चीज कुछ हो गई है तो वो है भाईचारा सही बात है मेरी शाहिद भाई इस सरकार में आने के बाद भाईचारा प्रभावित हुआ है इसमें बहुत प्रभावित हुआ है कुछ लोग जो है इस किस्म के हैं गांव में जो मतलब फसाद वगैरह फैलाना चाहते हैं जरा जासी बातों तो को जो है उछालने और अधिकारी लोग भी उनका साथ देते हैं जरा सा मामला हुआ कोई हमारा मामला था कोर्ट से हमारे हक में भी है वो फिर उसके खिलाफ लोग बार बार याचिका दायर कर रहे हैं हाँ, लोग है बार बार किचेरी में जा रहे हैं बार बार डबल डबल मतलब कई दफे इंक्वायरी हो चुकी है लेकिन जो है वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह गांव में भाईचारा खत्म हो जाए आपस में जो है कोई लड़ाई तो आपका 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 मोटो क्या है कि सरकार को जो है ऐसा होना चाहिए जो भाईचारा कायम करे नहीं सरकार का तो टारगेट ही भाईचारा खत्म करके हुआ है सरकारी जब आई जब भाईचारा खत्म हुआ है हिंदू मुस्लिम करके या राम मस्जिद मंदिर मस्जिद करके अभी भी यही परगंडा है योगी जी की भाषा कल उस पर थे लाइव थे उन्होंने अखिलेश जी के बारे में भी ऐसी बात कही है कि वो अपने अब्बा जान से पता कर ले तो बात ये। एक मुख्यमंत्री को भी तो फिर कार्यकर्ता उनके या उनका विधायक या उनकी भी भाषा ऐसी होगी हो जी 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 ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह की है और कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी चीजों को जिससे दो समाज में बंटवारा जैसी स्थिति उत्पन्न हो ये बात पूछते हैं हम इनसे आपका नाम मोहम्मद इरसाद इर्षाद भाई ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री की जो भाषा है जिसको वो कुछ भी कभी कभी ठोक दो कह देते हैं कभी कभी जो है वो कुछ कह देते हैं तो ये आपको परेशान करती है जी जो भाई साहब कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा ठीक नहीं है और एक बात उमर भाई साहब पूछ रहे थे कि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो सिलेंडर की लाइन क्यों लग रही थी और फिर सऊदी से ऑक्सीजन क्यों आ रहा था जब मेरे घर में सब कुछ है तो दूसरे के देश से मुझे लेने की क्या जरूरत है तो ये तो शाह जाहिर बात है कि सरकार झूठ बोल रही जब सरकार झूठ बोलती है तो कार्यकर्ताओं विधायकों का क्या हाल होगा बीजेपी के सरकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दो और जो विधायक है या कार्यकर्ता तो सबसे सब ज्यादा अब झूठ बोल कहीं वोट मांगेंगे कहीं किसी चीज का नाम लेंगे कभी किसी चीज का नाम लेंगे कहीं ये तो आप समझदार आदमी हो तो पता है कैसे वोट लेंगे नहीं वो झूठ है या जुमला है मतलब एक तो झूठ होता है जिसको झूठ है और एक जुमला है यानी हिकमत अमली से झूठ का नाम बदल दिया जाए दोनों भाई बहन जुमला और झूठ दोनों भाई बहन है भाई भाई होंगे <laughs> आपका नाम हम जान लें शाहबाज शाहबाज साहब आप भी इसी गांव में रहते हैं नहीं 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 इस गांव का कोई बात नहीं। ये बताइए आप हमें कि अभी चार साल हो गए सरकार को और फिर छह महीने बाद में चुनाव है तो सरकार को रहना चाहिए सरकार को जो है वो बदल जाना चाहिए अगर रहना चाहिए तो आप बताइए क्यों और चला जाना चाहिए तो आप ये भी बताइए क्यों देखिए सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि अगर सरकार दोबारा आएगी तो दोबारा फिर तानाशाही होगी तो सरकार अगर दूसरी बार रिपीट हो या तीन बार आए तो कहीं ना कहीं तानाशाही वो दिखाते हैं तो आपका कहना यह है कि ये सरकारें जो है बदलती बदलती अच्छी हैं तो ये तानाशाही वाला सीन जो है अखिलेश जी की सरकार में भी आ गया था जो योगी सरकार में आने की संभावना दिखती है नहीं इसमें नहीं आया था नहीं आया था तो इसी में ये दिखाई दे रहा है इसी में दिखाई दे रहा है ये बताइए केंद्र की सरकार से आप ज्यादा ना नाराज हैं या राज्य की सरकार से आप ज्यादा ना नाराज हैं दोनों ही सरकार से नाराज हैं दोनों ही सरकार से नाराज हैं वजह वजह इनके जो नीति है वो सांप्रदायिक है दो वर्गों को बांटने का काम करते हैं सबसे बड़ा नुकसान देश को पहुंचाएं अजीब हालात आप देखिए लोग बात करते हैं